हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 6 हिंदी। तो बच्चों, हमने पुनरावर्तन जो आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट में है जो हमने पूरा किया, तो उनकी जो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह हम देखेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखेंगे, ये सारा ग्रामर है पीछे, तो आपको ये श्योर नोट में लिखना है। तो सारे मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे आपने आगे भी कर लिया है फिफ्थ में, फोर्थ में, लेकिन फिर से हम रिपीट ये ग्रामर सीख लें। तो वैसे ये ग्रामर नोट में अवश्य लिखना है, एग्ज़ाम के रिलेटेड है, ग्रामर सारा नोट में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आइए बच्चों, आप भी अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, हर एक के अर्थ आपको पेंसिल में टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए, अक्षर छोटे करेंगे तो आ जाएगा, वरना आपको नोट में लिखने का रहेगा अवश्य, कंपलसरी आपको नोट में ही लिखना है। तो प्रथम आपको है समानार्थी शब्द बताइए। तो समानार्थी यानी कि समान अर्थ। तो यहाँ एक शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं, तो वह हम देखेंगे और नोट में लिखेंगे। तो उसमें समझना है आपको श्योर, नंबर एक वसुधा, उनको बोलते हैं पृथ्वी, धरती। दो नंबर पथ, रास्ता, मार्ग। तीन नंबर मधुबन, उनके भी दो नाम हैं, बगीचा भी बोल सकते हो और उपवन भी। गगन, आकाश, नभ। वैसे तो कई सारे समानार्थ उनके हैं, लेकिन आज आपको दो दो शब्द उनके अवश्य समझने हैं। पांच नंबर बरकत, लाभ, बढ़ती, फायदा। छः नंबर आनंद, प्रसन्नता, खुशी। सेवन नंबर निशा, रात, रजनी। एट नंबर शान, शोभा, प्रतिष्ठा। नाइन नंबर पुष्प, फूल, सुमन। दस नंबर सूरज, सूर्य, रवि। इलेवन नंबर पक्षी, खग, विहग। ट्वेल्व नंबर आदमी, मनुष्य, इंसान। तेरह नंबर आँख, नेत्र, लोचन। चौदह नंबर ईश्वर, भगवान, परमात्मा। पंद्रह नंबर पानी, जल, नील। अब आपका दूसरा रहेगा लिंग बदलिए पुनरावर्तन में, जिसमें है स्त्रीलिंग और पुरलिंग। लिंग यानी एक से ज़्यादा वाले बोलते हैं वचन। हमें अभी सिर्फ लिंग बदलना है जो आपको आता ही है। जिसी तरह पहला है सेवक, सेविका। दो नंबर अभिनेत्रा, अभिनेता, अभिनेत्री। तीन नंबर कवि, कवियत्री। चार नंबर लेखक, लेखिका। पाँच नंबर नाई, नाइन। छः नंबर प्रज्ञावान, प्रज्ञावती। सेवन नंबर मोर, मोरनी। आठ नंबर इंद्र, इंद्राणी। फिर है नाइन नंबर आचार्य, आचार्या। दस नंबर नर, नारी। ग्यारह वर, वधु। बारह नंबर भगवान, भगवती। तेरह नंबर पुजारी, पुजारिन। चौदह नंबर सेठानी, सेठ। पंद्रह नंबर मालिक, मालकिन। ओके बच्चों, ये अच्छे अक्षरों में लिखना है, नेक्स्ट भी है, हम देखते हैं। तो अब उनके बाद है वचन परिवर्तन कीजिए। वचन यानी क्या? वंस और मैनी, जो आप इंग्लिश में सीखते हो, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन का बहुवचन कैसे करना है वो तो आप पहले भी सीख चुके हो। तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे रिपीट कर रहे हैं सारा ग्रामर। आपका पुनरावर्तन तो हमें पूरा करना ही है, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है बच्चों? तो इसमें नंबर एक है पुस्तक, पुस्तके। एक पुस्तक है तो पुस्तक बहुत सारी होगी, तो क्या करोगे? पुस्तक के। तो जैसे आप इंग्लिश में क्या करते हो? बुक कहते हैं, एपिस्ट्रोफी एस लगाकर आप क्या बोलोगे? बुक्स बोलते हो ना, उसी तरह हिंदी में। टू नंबर लता, लताए। तीन नंबर गुरु, गुरु। तो कई ऐसे शब्द हैं कि जिसका प्रोनाउंसिएशन आप बोलोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो एक वचन भी रहेगा और बहुवचन भी वही रहेगा, क्योंकि गुरु, गुरु, गुरु ही है, वो एक ही वचन में उसका उपयोग हुआ है। चार नंबर स्त्री, स्त्रिया। सड़क, सड़के। बेटा, बेटे। सात नंबर आँख, आँखें।
आठ नंबर कपड़ा कपड़े। तो कई ऐसे शब्द होंगे उनको आपको खुद ब खुद अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि आप जब ऐसे बोलोगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का प्रोनाउंसेशन वही है, तो वो एक ही वचन में रहेगा, उसको दो वचन में से एक ही वचन का प्रोनाउंसेशन रहेगा। तो कई ऐसे शब्द होंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा अगर आपने बोला ना तब। ठीक है बच्चों, तो विरोधार्थी शब्द देखेंगे। तो फिर है विरोधार्थी शब्द, तो इसमें नंबर एक है आदर निरादर, दो नंबर जीवन मृत्यु, आपको ऑपोजिट करना है। हाँ बच्चों, सूचना तो अवश्य समझनी है और पढ़नी है, ठीक है। तीन नंबर अंधकार प्रकाश, चार नंबर मान अपमान, पांच नंबर सुंदर असुंदर कुरूप। किसी में ही अ लगता है, आप लोग क्या करते हो एग्जाम में सब जगह ए लगा देते हो, ऐसा नहीं है, को पहले समझना जरूरी है, ऑपोजिट में बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो विश्वास अविश्वास, सात नंबर सार्थक निर्थक, एट नंबर नूतन पुरातन। बच्चों ग्रामर में हमें रोकड़े मार्क मिलते हैं, आप ग्रामर के पूरे मार्क की तैयारी करिए, ऐसे जाने मत दीजिए, क्योंकि ग्रामर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पक्का करिए और उसके पूरे मार्क लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको श्योर पक्का करना है और नोट में अवश्य लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।